देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ रेहान, आप देख रहे हैं मुंबई प्रेस। आज के अपडेट्स को लेकर मैं कुछ हाजिर हो गया हूँ आपके समक्ष, आपके साथ। और शुरुआत करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के विवाद से। महेंद्र सिंह धोनी ने साउथ अफ्रीका और भारत के बीच खेले गए एक मैच के दौरान एक ग्लव्स पर एक लोगो लगाया था, जिसे बलिदान बैस का नाम दिया गया, और इस बैच को लेकर जो है लगातार ICC और BCCI में तकरार जारी है। इस पर उठे विवाद के बीच BCCI ने ICC से इसकी अनुमति मांगी थी कि धोनी जो लोगो अपने ग्लव्स पर लगा के खेल रहे हैं, उससे ना तो किसी धार्मिक भावना आहत हो रही है और ना ही किसी देश या सेना को बढ़ावा देने के लिए उस लोगो का प्रयोग किया गया है। उस लोगो से किसी भी ऐसी चीज़ का प्रमोशन नहीं हो रहा है जिससे ICC का जो नियम है वो टूटता हो या उसका उल्लंघन हो रहा हो। लेकिन ICC ने देर शाम एक प्रेस रिलीज जारी करके BCCI की इस अपील को जो है खारिज कर दिया और कहा कि धोनी कोई भी ऐसा लोगो लगाकर मैदान में उतर नहीं सकते, ये ICC के नियमों के ख़िलाफ़ है। बहरहाल, अब सबकी नज़रें ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाले रविवार के मुकाबले पर होगी, जब धोनी मैदान पर होंगे और उनके ग्लव्स पर वो निशान होगा या नहीं होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल, धोनी के मसले को लेकर सरकार भी धोनी के सपोर्ट में आ गई है, तो वहीं राजनीतिक दल जो हैं हमारे देश के, वो भी धोनी के सपोर्ट में हैं और जनता भी धोनी के सपोर्ट में है। लेकिन अब देखना यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले मैच में धोनी ग्लव्स पर बलिदान बैस लगाकर खेलते हैं या नहीं। वहीं अगर विश्व कप के मैचों की बात करें तो आज विश्व कप में दो मैच है। एक मैच जो है वो इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच है और दूसरा मैच न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला होना है। बहरहाल, क्रिकेट के अपडेट्स में बस इतना ही। देखते रहिए मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।